स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें केवल एक कोण दिया है ADC और हमें क्या करना है, ये कोण BAC ये हमको पता करना है। तो BAC हम देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, तो चक्री चतुर्भुज के अपोजिट जो एंगल होते हैं, जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो देखिए ये अगर 130 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। अब ये कोण जो बना है ACB ये हमारा अर्धवृत्त पर बना है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये आपका 90 अंश का होगा। अब आपको क्या चाहिए, अब आप कोण BAC अगर आप निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 50, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 40 डिग्री मिल जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अब देखिए यहां पर हमको कोण ABC ज्ञात करना है। तो देखिए कोण ABC अगर ज्ञात करना है तो देखिए उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB और CD आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं, AB और CD पैरेलल हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें कोण ABC ज्ञात करना है। तो देखिए ये कोण A और कोण C का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो देखिए कोण A हमको 110 दिया है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो देखिए ये दोनों अगर रेखाएं अगर समांतर हैं तो ये BC एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, और तिर्यक रेखा जब काटती है तो इसके जो आंतरिक कोणों का योग, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, जो आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो देखिए ये अगर 70 है तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो जो आपका कोण ABC है वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 110 डिग्री, जो आपका कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हमें इसमें कोण ABC ज्ञात करना है। तो देखिए ABC ज्ञात करने के हमारे पास दो तरीके हैं हमारे पास, या तो देखिए हम इसको मिला दें इसमें, ठीक, और इसको ऐसे जोड़ दें। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हमारा ये बन गया, ये इसको हम मान लेते हैं पॉइंट डी मान लेते हैं, तो ये आपका ABCD एक चक्री चतुर्भुज हो गया। अब देखिए ये कोण हमारा केंद्र पर बना है और ये परिधि पर बना है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। तो अब देखिए हमें कोण ABC निकालना है, तो कोण B और D का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा, तो यहां से कोण ABC बराबर आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये आपको मिल जाएगा 115 डिग्री, जो कि आपका कौन सा, सी ऑप्शन है। ठीक है, अब दूसरा तरीका इसका ये है कि देखिए ये केंद्र पर संपूर्ण कोण जो बन रहा है, अब इसको हटा दीजिए तो आप देखेंगे कि ये जो केंद्र पर जो ये संपूर्ण कोण बनेगा ये कितने अंश का बनेगा, 360 अंश का। अगर ये अंदर वाला 130 है तो ये परिवर्त वाला जो बनेगा, ये जो परिवर्त बनेगा ये कितना बनेगा, ये 230 बनेगा। चेक कर लीजिए आप, ये अंदर वाला कोण 130 है तो ये जो परिवर्त कोण जो बन रहा है ये 230 बनेगा, क्योंकि इन दोनों का योग 360 के बराबर होगा, ये संपूर्ण कोण केंद्र पर बनेगा। तो अब देखिए ये आपका केंद्र पर बना है और ये परिधि पर बना है, तो ये जो कोण ABC है वो 230 का आधा होगा, तो ये जो कोण हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 230 बटे 2 हो जाएगा, तो ये फाइनली आपको ये भी, इससे भी आपको 115 डिग्री आपको
मिल जाएगा। कोण सी ए डी हमको यहां पर पता करना है। तो देखिए ये हमारा ए बी वृत्त का व्यास है, तो ये हमारा अर्ध वृत्त पर बना है, तो ये तो कोण 90 अंश हो जाएगा। और देखिए जो आपकी ए बी है वो सी डी के समांतर है, तो देखिए ये अगर 30 बना है तो ये वाला जो हमारा कोण होगा ये भी 30 अंश का ही होगा, ये 30 अंश का होगा। अब देखिए ये क्या है, जो कोण ए और सी है वो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है, अपोजिट एंगल है, तो इनका जो योग होगा वो किसके 180 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका x मान लिया हमने, अब देखिए ये आपका 30 डिग्री प्लस x प्लस और 90 30 कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया इज इक्वल टू ये आपका कितना हो गया 180। तो यहां से आप x प्लस ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो यहां से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 30 अंश आ जाएगी। तो जो हमारा कोण सी ए डी है, कोण सी ए डी ये बराबर हो गया किसके 30 डिग्री के, और 30 डिग्री इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो देखिए ये हमारा सवाल है, अब हमको कोण सीबीडी ज्ञात करना है। तो कोण सीबीडी हम देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए ये हमारा 110 डिग्री है, अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन हम इसमें करेंगे, थोड़ी सी रचना हम इसमें करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने मान लिया ई, अब ये केंद्र पर बना है और ये परिधि पर बना है, ये आपका कितना हो जाएगा 55 डिग्री होगा, ये आपका 55 अंश का कोण होगा। और देखिए ये वाला जो कोण होगा ये आपका 55 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें ये वाली प्रमेय लगेगी कि अगर किसी चतुर्भुज का आंतरिक कोण, अगर किसी चतुर्भुज का विपरीत आंतरिक कोण अगर दिया होता है तो बहिष्कोण जो होता है वो विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका 55 है, तो ये भी आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोण सीबीडी ये आपका 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 55 डिग्री आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कोण BAD हमें इसमें ज्ञात करना है, तो देखिए ये हमें 25 दिया है और BC और CD बराबर दी है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। अब ये 25 आ गया, अब हम कोण C अगर हम ज्ञात करेंगे तो कोण C ज्ञात करेंगे तो कोण C निकालने के लिए इनका योग 180 में से घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 130 अंश। अब देखिए A और C ये हमारे क्या है, विपरीत कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण है, अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो योग हो जाएगा वो किसके 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण बी ए डी बराबर ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 50 अंश मिल जाएगा। तो 50 अंश आपका इसमें कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसमें एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें हमको कोई कोण हमें नहीं दे रखा है और हमसे बीसीडी हमसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, लेकिन खास बात यह है कि इसमें एबी बीडी और एडी ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर होने से ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, जो त्रिभुज एबीडी है इसमें आपका एबी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू बीडी, तीनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर होने वाला त्रिभुज जो होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो देखिए ये कोण, अगर ये सारे कोण कितने अंश के हो जाएंगे 60 के हो जाएंगे, ये भी 60, ठीक, तीनों 60 के हो गए। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो ए और सी का जो योग हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण सी कितना हो जाएगा, कोण सी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60, तो आपको मिल गया 120 अंश। तो कोण बीसीडी बराबर हो गया 120 डिग्री, आपका कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर।
अब देखिए हमको इसमें कोण CDF निकालना है, ये कोण हमें बताना है, यहां पर हमें कोण CDF ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें हमारा ये बहिष्कोण अगर 110 डिग्री बन रहा है तो जो हमारा विपरीत आंतरिक कोण जो हमारा D बनेगा ये भी इसी के बराबर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब देखिए आप देख रहे हैं कि ADF एक सरल रेखा है, ADF एक सरल रेखा है, तो इन दोनों का जो योग हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण CDF बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। आपका कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर हमको कोण CBD हमें ज्ञात करना है, तो कोण CBD अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए हम इसको अगर हम बढ़ाएंगे इस तरीके से, अगर हम इसमें रचना अगर मान लीजिए हम करते हैं, तो देखिए ये केंद्र पर बना है, ये परिधि पर बना है, परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होगा, तो ये आपका कौन कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो 50 डिग्री बन रहा है और ये बहिष्कोण जो बन रहा है, ये हमारा बहिष्कोण है, तो ये भी विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होगा, तो ये 50 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 50 अंश का हो जाएगा। तो कोण CBD बराबर हो जाएगा 50 अंश का हो जाएगा, तो 50 अंश इसमें हमारा कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात इसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी जो पुस्तक आरएस अग्रवाल है, जो आपके पास किताब आरएस अग्रवाल, अंक गणित आरएस अग्रवाल, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक है अंक गणित आरएस अग्रवाल हिंदी मीडियम में जो आती है, तो उसमें आपको ये फिगर आपको इसमें गलत दे रखा है। ये जो आपका AB है ये आपका व्यास है और ये सेंटर O से पास हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो सेंटर O है ये ऊपर है और इसका और ये इसके नीचे से जा रहा है, तो ऐसा फिगर में दे रखा है, तो ये फिगर में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। सही इंफॉर्मेशन यही है कि जो आपका AB है वो वृत्त का व्यास है और ये सेंटर O से पास हो रहा है, ठीक है। और जो आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है तो उसमें दे रखा है कि जो AB है वो सेंटर के ऊपर से पास हो रहा है, सेंटर के ऊपर से पास हो रहा है, वृत्त के केंद्र के ऊपर से पास हो रहा है, ठीक है। सॉरी ऐसा इसमें नहीं दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि जो आपका जो बुक में जो गलत इंफॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ, बुक की जो गलत इंफॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ कि जो AB है वो केंद्र के नीचे से पास हो रहा है, तो केंद्र के नीचे से पास हो रहा है तो केंद्र के ऊपर से भी नहीं पास होगा, नीचे से भी नहीं पास होगा। ये जो AB है ये वृत्त का डायमीटर है, वृत्त का व्यास है और ये केंद्र से ही पास होगा। हमको यहां पर x की वैल्यू हमें पता करनी है, तो देखिए B और D ये क्या है, विपरीत कोण है, तो इनका जो योग हो जाएगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर 130 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण आपका 50 अंश हो जाएगा, ये कोण 50 हो जाएगा। और देखिए ये अर्धवृत्त पर बना कोण है तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब x का मान हमें यहां से निकालना है, तो x का मान हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 50, तो सॉल्व करके आप निकालेंगे ये आपको 40 डिग्री मिल जाएगा। आपका कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट है।